तो क्या बोलती है अपनी पब्लिक। तो भाई लोग आज से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पूछा था कि भाई हम ब्लॉग स्टार्ट करें या नहीं, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आप ब्लॉग स्टार्ट कर दो। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और आज से हम अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं शाहरुख खान के बंगले पर, वो इसलिए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और हो सकता है कि वो आज हमको दिख जाए वहाँ पर। तो इसलिए आज के ब्लॉग में हम उनके बंगले का ही दिखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो भाई लोग मैं आपको बता दूं कि जो शाहरुख खान का बंगला है वो है बैंडी स्टैंड में, और अभी मैं जो खड़ा हुआ हूँ वो बांद्रा वेस्ट का एरिया है। तो हमारे यहाँ से वो थोड़ा दूर है, तो हमको लगता है कि ऑटो देखना पड़ेगा, ऑटो में जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं किसी ऑटो वाले से कि वहाँ तक चलता है या नहीं चलता। तो लेट्स गो। तो गाइस हमको पूछना पड़ेगा कि बैंड स्टैंड के लिए कोई ऑटो जाएगा क्या, तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। भाई बैंड स्टैंड जाओगे क्या? नहीं जाओगे? कोई ऑटो वाला तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ, इधर का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है आज मुझे। और कोई ऑटो वाला दिखता है तो पूछते हैं। ऑटो वाला साला कोई दिख ही नहीं रहा है ना। तो गाइस मैं अभी रास्ते में चलता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई ऑटो वाला नहीं दिख रहा है वहाँ तक जाने के लिए। तो ट्राई करते हैं कि कोई मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये ऑटो वाला नहीं था, उसका जो सीट है वो खाली नहीं था। हमको ऐसा ऑटो देखना पड़ेगा जो खाली हो, जिसमें कोई दूसरा ना बैठा हो। तो देखते हैं कोई ऑटो वाला मिलता है कि नहीं मिलता। और पैदल चलने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है यार भाई। हाँ, ऑटो में ऐसा है कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे और मालूम भी नहीं पड़ेगा रास्ते का। खैर, यहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता है जिस जगह मैं अभी हूँ, और देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, और ऑटो भी हमको अभी आधी में मिल गया था। तो देखते हैं कि ऑटो में कितना टाइम लगता है पहुँचने में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऑटो का रेट है वो 21 से स्टार्ट होता है।
मुझे जो है कि अभी ऑटो से बीच में ही उतरना पड़ा, क्योंकि आज जो है कि बहुत पब्लिक इधर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज जो शाहरुख खान का बर्थडे है ना, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, तो मुझे बीच में ही उतरना पड़ा। तो अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा पैदल ही चलते हैं और वहाँ तक पहुँच जाएंगे 5-10 मिनट में। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मेरे को 5 मिनट के लिए 20 रुपया लग गया मेरे को ऑटो में। तो कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो चलते हैं पैदल पैदल और पहुँच जाएंगे हम लोग 5-10 मिनट में वहाँ तक। आज हो सकता है कि वो दिख सके हमको, क्योंकि उनका बर्थडे है ना, तो बाहर आते हैं वो बंगले के बाहर, तो हो सकता है कि आज वो दिखे, तो देखते हैं चल के और मज़ा आएगा बहुत। वीडियो में एकदम बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है आगे चलकर, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं बैंड स्टैंड के बिल्कुल रोड पर। तो क्योंकि अब मैं पहुँच चुका हूँ बैंड स्टैंड में, और यहाँ से जो पहला जो बंगला है वो शाहरुख खान जो पहला जो बंगला है वो सलमान खान का बंगला है, गैलेक्सी अपार्टमेंट। तो अभी हम सलमान खान के बंगले को नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके बंगले के बारे में हम बाद में कभी बताऊंगा मैं। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट शाहरुख खान के बंगले की तरफ। तो गाइस जो है कि मैं अभी बैंड स्टैंड पहुंच चुका हूं, और रास्ते में बहुत ज़्यादा पब्लिक था, तो मुझे बीच में उतरना पड़ा ऑटो से। तो मैं आपको दिखाता हूं कि बैंड स्टैंड का एरिया कैसा है। और तो गाइस यहां से अभी मैं आया हुआ हूं, और ये बैंड स्टैंड का एरिया है ये पूरा। ये सभी जो बंगले आपको दिख रहे हैं वो सेलिब्रिटीज़ के बंगले हैं, और ये जो बंगले बने हुए हैं जस्ट समुंदर के सामने ही बने हुए हैं, और मेरे जो राइट साइड है वो समुंदर है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस, इस साइड जो है समुंदर है। गाइस अभी इन लोगों को इधर देख सकते हो, ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं यहाँ पर समुंदर के किनारे। कभी भी आप जैसे 6 बजे या 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कभी भी इधर आओगे तो ये पब्लिक इधर बैठते ही दिखनी है। तो गाइस फाइनली मैं शाहरुख खान सर के बंगले के पास में पहुँचने वाला हूँ, बस 2 मिनट का रास्ता बाकी रह गया है। तो देखते हैं कि वो हमको दिखते हैं या नहीं दिखते, क्योंकि आज इधर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है, और जो उनके बर्थडे के कारण आज काफ़ी ज़्यादा पब्लिक। वैसे यहाँ पे रोज़ पब्लिक तो रहता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही पब्लिक है इधर। तो अब देखते हैं कि वो आज मिलेंगे या नहीं मिलते।
तो गाइस आप लोग इधर का थोड़ा नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो देखिए एक बड़ा सा प्लेन का मॉडल बनाया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सभी जो बंगले हैं जो सारे सेलिब्रिटीज के बंगले हैं। गाइस आप लोग पब्लिक देख सकते हो कि यहाँ पर कितना पब्लिक है। गाइस आप लोग पब्लिक देख सकते हो कि कितना पब्लिक है इधर। बंगला देख रहे हो शाहरुख खान। तो गए थोड़े काम खतरा मार मोबाइल लाते हैं कितनी हो जाता है। आज सुबह में भी आया था बोलते।
गैलरी वाला कोई तो अरे वो बरसात भी दिख रहा कोई तो तो गाय इधर जो है वो काफी पब्लिक है, लेकिन अभी शाहरुख भाई बाहर नहीं आए हुए हैं और यहाँ पे तो वाओ गाइस देखिए यहाँ पर सस्ता शाहरुख खान अपना जलवा दिखा रहा है और मैं आपको बताता हूँ वेरी नाइस किंग खान सस्ता शाहरुख हेलो भाईजान एक नंबर ब्रो दुबई की शाहरुख खान का है तो भाइयों हम लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है और जो शाहरुख सर हैं अभी तक जो है अपने बंगले से बाहर नहीं आए हुए हैं, जो मैं यहाँ पे 6 बजे के लगभग आया था और 8 बज चुका है, तो लगता है कि वो अभी बाहर नहीं आने वाले हैं। तो हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक यू।